हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करंट गुरु विद केके। दोस्तों, आज का टॉपिक है बीपीएससी करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट टू। दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट वन कवर किया जिसमें 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के लिए करंट अफेयर से लिए गए हैं, जो आपके आगामी बीपीएससी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और इस सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस सेट टू में पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले 50 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम्स के लिए और इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट टू। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में से कहां पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पटना बिहार, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी के ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवें। राइट आंसर ऑप्शन डी पांचवें। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी रूबी खातून, ऑप्शन सी रश्मि कुमारी, ऑप्शन डी खुशी कुमारी। राइट आंसर ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में बीसीसीआई की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए चेतन शर्मा, ऑप्शन बी शिव सुंदर दास, ऑप्शन सी सलील अंकोला, ऑप्शन डी श्रीधरन शरद। राइट आंसर ऑप्शन ए चेतन शर्मा। सिक्स क्वेश्चन, हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाब। सातवां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वर्दुन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 18वां, ऑप्शन बी 19वां, ऑप्शन सी 20वां, ऑप्शन डी 21वां। राइट आंसर ऑप्शन डी 21वां। आठवां क्वेश्चन, भारत के सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी? ऑप्शन ए उमरान मलिक, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी इरफान पठान। राइट आंसर ऑप्शन ए उमरान मलिक। दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, 16-17 जनवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अब संरचना कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन ए पटना बिहार में, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी अमरावती आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना में। राइट आंसर ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र में। दसवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। ग्यारहवां क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए सुधा कुमारी, ऑप्शन बी खुशी कुमारी, ऑप्शन सी सानवी चौहान, ऑप्शन डी रश्मि कुमारी। राइट आंसर ऑप्शन ए सुधा कुमारी। बारहवां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कर्ष 2022 की शुरुआत निम्न में से कब की गई थी? ऑप्शन ए जुलाई 2019 में, ऑप्शन बी अगस्त 2020 में, ऑप्शन सी सितंबर 2021 में, ऑप्शन डी जनवरी 2022 में। राइट आंसर ऑप्शन ए जुलाई 2019 में। तेरहवां क्वेश्चन, भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के साथ कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है? ऑप्शन ए 100 यूनिकॉर्न, ऑप्शन बी 102 यूनिकॉर्न,
ऑप्शन सी 105 यूनिकॉर्न, ऑप्शन डी 108 यूनिकॉर्न। राइट आंसर ऑप्शन डी 108 यूनिकॉर्न। चौदहवा क्वेश्चन, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना के तहत कुल कितने डिग्री धारक नागरिकों 18 से 30 वर्ष की आयु वाले को एक दूसरे के देशों में रहने एवं कार्य करने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जाने का व्यवस्था की है। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। राइट आंसर ऑप्शन बी 3000। 15वां क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 के लिए विश्व का सबसे खराब पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। राइट आंसर ऑप्शन सी अफगानिस्तान। 16वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए अजीत आजाद, ऑप्शन बी बद्री नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी बद्री नारायण। 17वां क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन बी जापान। 18वां क्वेश्चन, डॉपलर मौसम वेदर रडार नेटवर्क के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कुल कितनी जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 660। राइट आंसर ऑप्शन डी 660। 19वां क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। 20वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी की निम्न में से कौन सी वार्षिक बैठक में समताप मंडलीय ओजोन परत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 100वीं बैठक, ऑप्शन बी 101वीं बैठक, ऑप्शन सी 103वीं बैठक, ऑप्शन डी 105वीं बैठक। राइट आंसर ऑप्शन सी 103वीं बैठक। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब तक आर्कटिक के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत का स्तर 1980 के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2045। 13 राइट आंसर ऑप्शन डी 2045। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस पौधों को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन ए नील कुरिंजी, ऑप्शन बी कोकास न्यूसिफेरा, ऑप्शन सी दुरियो जिबेथिनस, ऑप्शन डी जीनस हेलिकोनियन। राइट आंसर ऑप्शन ए नील कुरिंजी। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? ऑप्शन ए अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी शिवा चौहान, ऑप्शन सी सरिया अब्बासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी शिवा चौहान। 24वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर संजन मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर राजकमल मिश्र। राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। 25वां क्वेश्चन, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.17
परसेंट से बढ़कर 2022 में हो गए कितने? ऑप्शन ए 90.10%, ऑप्शन बी 93.20%, ऑप्शन सी 98.4%, ऑप्शन डी 99.5%। राइट आंसर ऑप्शन सी 98.4%। 26वां क्वेश्चन, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 एवं Y20 आयोजनों के कुल कितने विषयों पर चर्चा की गई? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन डी 5। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर जनवरी 2023 में साड़ी महोत्सव विरासत के दूसरे चरण का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी पटना में। राइट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली में। 28वां क्वेश्चन, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 2 जनवरी 2023 को, ऑप्शन बी 4 जनवरी 2023 को, ऑप्शन सी 10 जनवरी 2023 को, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2023 को। राइट आंसर ऑप्शन बी 4 जनवरी 2023 को। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हो गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। 30वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश में एक हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी भूटान। राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीलंका। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। राइट आंसर ऑप्शन बी समस्तीपुर। 32वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता की SJVN की बीकानेर राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए 500 मेगावाट, ऑप्शन बी 700 मेगावाट, ऑप्शन डी 900 मेगावाट, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 900 मेगावाट, ऑप्शन डी 1000 मेगावाट। राइट आंसर ऑप्शन डी 1000 मेगावाट। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी 2025। 34वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने सकल घरेलू उत्पाद GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान किया गया है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 7%। राइट आंसर ऑप्शन डी 7%। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2022, ऑप्शन बी 30 दिसंबर 2022, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2023, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2023। राइट आंसर ऑप्शन बी 30 दिसंबर 2022, उत्कर्ष 2.0। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए ललित किशोर, ऑप्शन बी पराग अग्रवाल, ऑप्शन सी पीके शाही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी पीके शाही। 37वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान मयूर स्तंभ राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। 38वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे खेल में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए कीर्तिराज सिंह, ऑप्शन बी जाबिर अंसारी, ऑप्शन सी सुधा सिंह, ऑप्शन डी खुशी कुमारी।
राइट आंसर ऑप्शन बी जाबिर अंसारी। 39वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। राइट आंसर ऑप्शन डी 21। 40वां क्वेश्चन, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हुबली कर्नाटक में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन सी पटना बिहार में, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन बी हुबली कर्नाटक में। 41वां क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90। राइट आंसर ऑप्शन सी 85, 85वां रैंक है। दोस्तों आपको ये बताने कि नंबर एक में कौन है और सबसे लास्ट में कौन है। बयालीसवां क्वेश्चन, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला थाना का सर्वश्रेष्ठ थानों के रूप में चयन किया गया है? ऑप्शन ए अरवल, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी पटना। राइट आंसर ऑप्शन ए अरवल। 43वां क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए नवंबर 2022 में, ऑप्शन बी दिसंबर 2022 में, ऑप्शन सी जनवरी 2023 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी जनवरी 2023 में। 44वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में कुल कितने केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 1000। राइट आंसर ऑप्शन डी 1000। 45वां क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। 46वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश हो गया है? ऑप्शन ए साइप्रस, ऑप्शन बी माल्टा, ऑप्शन सी स्लोवेनिया, ऑप्शन डी क्रोएशिया। राइट आंसर ऑप्शन डी क्रोएशिया। 47वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए एस के सिंघल, ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी, ऑप्शन सी पी के शाही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए ए के सिंघल। 48वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन ए अक्टूबर 2022 में, ऑप्शन बी नवंबर 2022 में, ऑप्शन सी दिसंबर 2022 में, ऑप्शन डी जनवरी 2023 में। राइट आंसर ऑप्शन डी जनवरी 2023 में, मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। 49वां क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए 1 से 7 जनवरी तक, ऑप्शन बी 8 से 14 जनवरी तक, ऑप्शन सी 11 से 17 जनवरी तक, ऑप्शन डी 15 से 21 जनवरी तक। राइट आंसर ऑप्शन सी 11 से 17 जनवरी तक। 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 140वां, ऑप्शन बी 142वां, ऑप्शन सी 145वां, ऑप्शन डी 148वां। राइट आंसर ऑप्शन डी 148वां। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी बीपीएससी के 69 बीपीएससी के एग्जाम्स और अन्य एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके जो
बीपीएससी की और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।